बड़ी खुशखबरी आई हुई है पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से। जैसे कि आप काफ़ी सालों से देख रहे थे कि श्रीलंका पे अटैक हुआ था, तो उसके बाद कोई भी टीम जो है ना वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थी। तो माशाल्लाह पाकिस्तान टीम ने हाल ही 2021 के 2020 वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से आईसीसी इवन दुनिया के जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उन्होंने तस्लीम किया कि यार पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट कुछ भी नहीं है। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि 2025 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है वो ओवरऑल पाकिस्तान में होगी। ओवरऑल मतलब किसी और वेन्यू को इन्होंने जो है ना वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट जो है ना वर्ल्ड कप है या कुछ चैम्पियंस ट्रॉफीज़ हैं या कुछ 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, वो उन्होंने मतलब वो कंबाइन रखा हुआ है दो दो कंट्रीज़ को साथ, जिस तरह श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ को रखा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात ये है कि 2025 की जो है ना वो चैम्पियंस ट्रॉफी हमारे जो जीते हैं विनर्स हैं वो इंशाल्लाह इसको डिफेंड करेंगे पाकिस्तान में ही, और वो जो है ना 3 से 4 वेन्यूज़ पर खेले जाएंगे। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के फैंस के लिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है ना वो होपफुली अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो स्टार्ट होने जा रही है। तो अभी इन्होंने जैसे कि वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें दोनों आ रही थी, लेकिन आपको पता है कि एक लॉबी है क्रिकेट में इंडिया, जो एक रिच कंट्री है। रिच इस हवाले से कि उनकी जो है ना वो इनकम अभी जो है ना वो जितने भी क्रिकेट कंट्रीज़ हैं उनमें उसकी जो है ना इनकम सबसे ज़्यादा है, तो वो जो है ना टॉप पर जा रहा है, उसका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से उन्होंने कोई थ्रेड का इसको इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को बोला था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशूज़ है तो आप ना जाएँ। तो जाहिर सी बात है उनको फिर उनकी बात माननी थी, अगर नहीं मानते तो क्योंकि वो रिच कंट्री है वो कुछ भी कर सकता है, तो इस हवाले से उन्होंने उसको मतलब डिनाई नहीं किया और अपना दौरा जो है ना वो पाकिस्तान का कैंसिल कर दिया था। लेकिन ये 2020 वर्ल्ड कप में माशाल्लाह बाबर आजम रेजान और पाकिस्तान की ओवरऑल टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो अभी जो है ना इनकी वजह से अभी इनकी मेहनत का जो सिला है ना वो अल्लाह पाक ने दे दिया है, और अभी जो है ना वो फिर से जो है ना वो न्यूजीलैंड आने को तैयार है, और ऑस्ट्रेलिया भी जो है ना वो सितंबर 2022 को पाकिस्तान में आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी साइंस है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के फैंस के लिए कि जो है ना वो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना वो आपके पास आए। तो काइंडली उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जो है ना वो क्लिक करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो नई आने वाली होगी ना वो आपके पास जो है ना वो खुद ब खुद आ जाएगी बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद।